अस्सलामु अलैकुम डियर ऑडियंस। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के इस दूसरे पार्ट के साथ मैं हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक अपर रिस्पायरेटरी पार्ट और एक लोअर रिस्पायरेटरी पार्ट। तो अपर रिस्पायरेटरी पार्ट में नोज, फेरिंग्स, लरिंग्स ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि अगर डियर स्टूडेंट आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो फिर आपको यहाँ पर समझने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होगी। तो प्लीज़ आप इससे पहले वीडियो ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम वीडियो फर्स्ट को लाजमी देखें ताकि यहाँ पर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उठाए पेन और कापियाँ, नोट करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले लोअर रिस्पायरेटरी ट्रिक में, लोअर रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे साथ क्या है, ट्रिकिया। ये कार्टिलेजियस ट्यूब है। पहले भी बता चुका हूं कि कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होते हैं। ये कार्टिलेजियस ट्यूब है जो कि लरिंग्स और ब्रोंकाई के साथ कनेक्ट होती है। इट इज ए कार्टिलेजियस ट्यूब विच कनेक्ट विद लरिंग्स एंड ब्रोंकाई, ठीक है ना। यानी नीचे ब्रोंकाई और ऊपर लरिंग्स के साथ जो कार्टिलेजियस ट्यूब कनेक्ट होती है, तो उस ट्यूब को हम कहते हैं कि ये ट्रिकिया है। याद रहे कि ट्रिकिया को हवा की नली यानी वेंट पाइप भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रिकिया की लेंथ 10 से लेकर 12 सेंटीमीटर तक है, जबकि वेट 2 सेंटीमीटर है। याद रहे कि ट्रिकिया वो मेन पार्ट है जिसके जरिए हवा अंदर आती है लंग्स के जरिए, ठीक है ना। जैसे एसोफेगस को खुराक की नली कहा जाता है, इसी तरह ट्रिकिया को हवा की नली कहा जाता है। इसमें आपको ये कार्बन शू लाइक कार्टिलेजियस शू आपको नजर आएंगे। ये तकरीबन 16 से लेकर 20 तक है, 16 से लेकर 20 तक। ये यहां पर इस कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर में इसलिए है ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, ठीक है। इस ट्रिकिया का दूसरे आर्गन की तरह, अपर रिस्पायरेटरी आर्गन की तरह, इसका भी ये काम है कि ये हवा को साफ भी करती है, ये हवा को गर्म भी करती है, ये हवा में नमी भी डालती है, ये फॉरेन पार्टिकल यानी पैथोजन कोई जरासीम को ट्रिप भी करती है, उसको जाने भी नहीं देती, ठीक है। और क्या है ट्रिप का जो बुनियादी काम क्या है, ये कप रिफ्लेक्स भी करती है। यानी जब हम इस तरह कप रिफ्लेक्स, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली जब आपको कपिंग आ जाती है कान से, और इसके अलावा ये वो काम करती है, क्लियर। अब ये आगे हम जा रहे हैं, ट्रिके के बाद ब्रोंकाई है। ये आपको नजर आ रही है ब्रोंकाई, ये यानी ट्रिकिया जब डिवाइड हो जाती है, वेंट्रिकिया, ठीक है, वेंट्रिकिया इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। यानी जब ये ट्रिकिया डिवाइड हो जाती है, किसमें, ये हलो ट्यूब है। ये क्या है, हलो ट्यूब है। इसकी डिफिनेशन आप इस तरह कर सकते हैं, दीज आर द हलो ट्यूब, दीज आर द हलो ट्यूब दीज आर द हलो ट्यूब विच कंडक्ट एयर इन टू लंग्स। यानी ये वो हलो ट्यूब है जो हवा को यहां तक लंग्स के अंदर, ये पेपर लंग्स है, यहां तक पहुंचाते हैं। तो ये वो क्या है, ब्रोंकाई है। याद रहे कि ये भी कार्टिलेजियस के बने हुई होते हैं, ये भी ब्रोंकाई भी क्या है, कार्टिलेजियस के बने हुए होते हैं। ब्रोंकाई को हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, एक राइट ब्रोंकाई जो कि वाइटर होती है,
और एक लेफ्ट ब्रोंकाई जो कि स्मालर होती है, ठीक है ना। इसलिए तो आपको अक्सर बीमारियां राइट लंग्स में ज्यादा होती है क्योंकि हवा यहां पर ज्यादा आ जाती है। क्लियर, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई की भी ऑलमोस्ट यही काम है कि हवा को गर्म करना, माइस करना, किसी फॉरेन पार्टिकल को वापस भेजना, ये सारे काम। इसके बाद ये ब्रोंकाई, ये हॉलो ट्यूब, ठीक है ना, ये मजीद डिवाइड एंड रीडिवाइड, यानी एक मरतबा डिवाइड, मिसाल के तौर पर ये एक मरतबा डिवाइड हो गया, अब फिर डिवाइड हो गया, इसी तरह डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू फाइन नेटवर्क ऑफ नॉन कार्टिलेजियस ट्यूब। अब ये कार्टिलेज के बने हुए नहीं होंगे बल्कि इसके अंदर क्या होगा, स्मूथ मसल, ठीक है, और इलास्टिक फाइबर के इसके अंदर होगा। यहां पर ये बात याद रखें कि आप कैसे पहचानेंगे कि सर ब्रोंकाई और ब्रोंकिओल में हम फर्क को कैसे पहचानेंगे, इसकी डायमीटर 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर होगा या इससे भी कम होंगे, तो फिर आप पहचाने कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या, हमारे साथ क्या है, ब्रोंकिओल, यानी ब्रोंकाई डिवाइड एंड रीडिवाइड इनटू फाइन नेटवर्क ऑफ नॉन कार्टिलेजियस ट्यूब इनसाइड द लंग्स विच इज 1 मिलीमीटर लेस इन डायमीटर, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकिओल। याद रहे कि ब्रोंकिओल का काम क्या है, ये हवा को डिस्ट्रीब्यूट करती है लंग्स के अंदर, ठीक है ना। अब यहां पर ब्रोंकिओल का ये काम नहीं है कि वो हवा को गर्म करे, वो हवा को माइस करे, वो हवा में अगर कोई डस्ट पार्टिकल आया है उसको ट्रैप करे, ये ब्रोंकिओल का काम नहीं है, न वो करती है और न उसका काम है। क्लियर, ये इसके बाद क्या है, इस ब्रोंकिओल के आखिर एट द एंड ऑफ बलून लाइक स्ट्रक्चर, यानी गुब्बारे की तरह, इसी तरह गुब्बारे की तरह बलून लाइक स्ट्रक्चर, सीक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंकिओल, ब्रोंकिओल के आखिरी सिरे पर तेलनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एल्वोलाई, ठीक है। ये एल्वोलाई इसके आउटर सरफेस पर ब्लड कैपिलरी बहुत ज्यादा होती है। ये एल्वोलाई लंग्स की फंक्शनल किडनी यूनिट है। ये एल्वोलाई एक लंग्स के अंदर 700 मिलियन होती है। ये एल्वोलाई 70 से 90 मीटर एरिया लंग्स के अंदर इसने कवर किया होगा, ठीक है ना। तो ये एल्वोलाई फंक्शनल यूनिट है। क्लियर, क्लियर। ये वो साइड है जहां पर ये, दीज आर द एक्चुअल साइट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर, एल्वोलाई का क्या क्या काम है, एल्वोलाई का ये काम है कि यहां पर ये एक्चुअल साइट है कि किस चीज के, जी इसकी लंबाई 0.1 माइक्रोमीटर है। जी इसकी क्या क्या काम है, इसके ये काम है एल्वोलाई के कि यहां पर एक्सचेंज होगा, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एक्सचेंज होगा एल्वोलाई का, ठीक है। और ये चूंकि इलास्टिक है तो ब्रीथिंग में कभी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये खराब नहीं हो सकते, ठीक है ना। कभी कंट्रैक्ट होगी लंग्स, कभी रिलैक्स होंगी, तो इसमें ड्यूरिंग ब्रीथिंग ये काम एल्वोलाई का है, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर क्या है, सरफेस टिंडेड केमिकल है जो कि पैथोजन को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, जो कि फ्लूड के सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, सही है। तो ये हमारे साथ एल्वोलाई है। इसके बाद क्या है, आखिरी पार्ट है जिसको हम लंग्स कहते हैं। ये आपको नजर आ रहा है लंग्स, लंग्स डोम शेप आर्गन है, ठीक है ना, यानी ये वो आर्गन है जो कि फिल्ट्रेशन करता है हवा की और प्रोड्यूस करती है हमारे लिए ऑक्सीजन, ठीक है ना। यानी हवा की फिल्ट्रेशन करने वाले आर्गन को लंग्स कहते हैं,
बायोलॉजी में लंग्स को पल्मोनरी कहते हैं। इसका शेप क्या है? डोम शेप है, डोम शेप इस तरह का शेप है, ठीक है। ये चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होती है, चेस्ट कैविटी, ठीक है ना। ये लंग्स इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है किसने? रेब केज ने, पसलियों ने। लंग्स की तादाद दो है, एक राइट लंग्स होगी और एक लेफ्ट लंग्स होगी, ठीक है। ये राइट लंग्स क्या होगी? राइट लंग्स ये इसके अंदर, राइट लंग्स के अंदर 56% ऑफ गैसेस होगी इसका लंग वॉल्यूम, और बाकी क्या है? 44%, ठीक है। तो जी ये लेफ्ट लंग के छोटी है राइट लंग्स के मुकाबले में, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, और ये भी मैं आपको बताते चाहूं कि लंग्स स्पंजी इन नेचर है, ठीक है ना, और इसका काम, ठीक है। अब लंग्स की नीचे इस लंग को एक मेम्ब्रेन ने, जो डेलिकेट मेम्ब्रेन है, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। और इसके नीचे एक मस्कुलर लेयर होता है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इस डायफ्राम का अपना काम है कि कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में इसको क्या करता है, ज्यादा एक्सटेंड होने या ज्यादा रिलैक्स होने या ज्यादा कंट्रिक होने से लंग्स को बचाती है। ये मस्कुलर बिलो द लंग्स ए मस्कुलर लेयर इज प्रेजेंट व्हिच इज कॉल्ड डायफ्राम, और इस लंग्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर फ्लोरल फूड भी होती है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं फ्लोरल मेम्ब्रेन। ये इसकी फ्रिक्शन को भी कम कर देती है। तो ये दिस इज द ऑलमोस्ट ऑल अबाउट ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस दो वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सेकेंड ईयर के हिसाब तक, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हिसाब तक ये बहुत ज्यादा कंटेंट आपके पास होगी। अगर आप इसी तरह इस टॉपिक को करेंगे तो आपकी कोई चीज आपसे रह नहीं जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए।